हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रमिला रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स इजी टू कुक रेसिपी। आपको ये इजी टू कुक रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स हम अपनी रेसिपी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी, एकदम इजी डाइजेशन के लिए। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो उसके लिए हम लेकर आए हैं पिकल्स की रेसिपी। यह है हमारा गार्लिक एंड जिंजर की पिकल्स की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, इसको गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गार्लिक। इसमें गार्लिक को हमने कट नहीं किया है, कली ही ज़्यादा अच्छी लगती है लहसुन की पिकल्स में। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, इसको भी अपने गार्लिक के साथ हम भून लेते हैं। यहाँ हम डालेंगे 4 लौंग, 4 से 5 लौंग ले लिए हमने। यहाँ हमने जिंजर को स्लाइस में कट कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। सर्दियों में तो वैसे भी लहसुन और अदरक ज़रूर खाना चाहिए, तो हम इसीलिए आज आपके लिए ये अदरक और लहसुन का अचार लेकर आए हैं। इसको भून लेते हैं, सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च को हमने बीच में से कट लगा दिया है, 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इस अचार में ज़्यादा सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और फटाफट से बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाता है। आप फ्राई के लिए चाहे इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। जिंजर गार्लिक का हमारा ये पिकल्स बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आप इस अचार को एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए। जब भी आप पराठा या लंच करते हैं, कोई भी टाइम हो, आप ये इस अचार को खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और डाइजेशन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाइए, लाइक कीजिए हमारी इस रेसिपी को। फिर से मिलेंगे हम फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।